चलो, कहाँ हम लोग थे? प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे 4.1। इसमें एक पार्ट वन में बता दिए थे, ये पार्ट टू वीडियो होगा सर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, ठीक है सर? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 10 प्रश्नावली 4.1, इसमें एक नंबर में जितने भी सवाल थे हमने कल पिछले वीडियो में बता दिए। आज क्वेश्चन नंबर 2 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखता होगा सर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसका समीकरण आपको देना है। कैसे देंगे? देखिए, बोला है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नहीं, ये बोला है हमको निम्नलिखित स्थितियों का हमको समीकरण सिर्फ दीजिए। बोला है कि एक भूखंड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि लंबाई चौड़ाई का दुगने से एक अधिक है, ये बोला, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 528। तो हम किसको मान लेंगे? तो चौड़ाई को हम लोग मान लेंगे। माना चौड़ाई इक्वल टू कितना? एक्स। कुछ मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? कि एक भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 528 नहीं, और बोला है कि लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमको क्या मान, हम क्या मान लिए? तो चौड़ाई को मान लिए एक्स। अब लंबाई इसमें क्या हो जाएगा? लंबाई क्या हो जाएगा इसमें? तो लंबाई हो जाएगा, बोला चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई एक्स है ना, इसके दुगने से एक अधिक है, तो 2 × x + 1। यही ना बोला है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए, चौड़ाई माने थे एक्स, इसके दुगने हैं 2x + 1, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब बोला है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 528। तो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है लंबाई अगुने चौड़ाई, यही ना होता है। आपको क्षेत्रफल दे चुका है कितना? 528 है न? ओके, गलत नहीं बोलना, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। 528, और लंबाई आपका कितना है? तो 2x + 1, और चौड़ाई कितना है? तो x। आप इसी को सॉल्व कर देंगे सर, आपका समीकरण निकल जाएगा। देखिए, पक्षांतर कर लेते हैं, उस पार वाला इस पार ले आते हैं, तो कितना है? x × 2x + 1 = 528। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, x दोनों के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस ये x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x, ये इधर 528 प्लस में है, इधर ले आइए क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, 528 = 0। ये आपका समीकरण है। यही बोल रहा था कि हमको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, हमको समीकरण दीजिए। तो मैं आपको समीकरण दिया, नहीं कितना? 2x² + x - 528 आपका आंसर होगा, ठीक है सर? अगर आप ध्यान देंगे तो आप सीख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, कोई जादू मंत्र नहीं है। अगर आप ध्यान दिए तो आप इजीली इसको सीख सकते हैं, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 का 2, E1 था सर, भूल गए थे लिखना। E2 का 1 है, 2 का 2 बनाना है। 2 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? तो 306 है। देखिए, बोला कि 2 धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल 306 है, हमको पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए, माना, उसी प्रकार मानेंगे आप, माना पहला पूर्णांक आप बना सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें x है। माना पहला पूर्णांक x है। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, बोला कि 2 पूर्णांक लगातार में है, तो पहला पूर्णांक क्या माने? x माने, तो दूसरा पूर्णांक होगा x + 1, चूंकि लगातार बोला है,
नहीं, तो x प्लस वन, एक्स प्लस वन माना पहला पूर्णांक कितना है x है और दूसरा पूर्णांक मानेंगे x प्लस वन, क्यों, तो दोनों लगातार में है। अब बोला कि दोनों का गुणनफल 306 है, 306 है ना, दोनों का गुणनफल 306 है। तो प्रश्न से दोनों का गुणनफल कितना है 306 है, तो एक है कितना x और एक कितना है तो x प्लस वन इक्वल टू कितना है 306। यही ना बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना है 306 है, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x को ये दोनों के साथ गुणा करना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुने एक्स स्क्वायर और प्लस, तो प्लस x गुने वन हो जाएगा x इक्वल टू 306। फिर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x माइनस 306 होगा, क्यों सर, तो इधर प्लस में था उस साइड में प्लस में था, इस साइड लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, ये साइड प्लस में रहेगा उस साइड भेजेंगे 306 होगा। ओके सर, हाँ इसी तरह मेरा सहायता करेंगे तब ना सर, 306 होगा 360 नहीं होगा। अपोजिट चिन्ह इसका अपोजिट होता है, वो साइड आपका प्लस में है तो इस साइड में आपका माइनस हो जाएगा, नहीं इस साइड अगर माइनस है तो वो साइड लगेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा सर। ठीक है, आप इसको इजीली तरह से सीख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और बोला कि 3 वर्ष के बाद उसका आयु कितना हो जाता है, तो 306। उसका आयु कितना हो जाता है 3 वर्ष के बाद, तो 360 हो जाता है सर, 360 हो जाता है। उसके 3 वर्ष के बाद उसके आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मान लेंगे हम कि रोहन की आयु, रोहन सोहन लिखा गया ना, रोहन लिखना, रोहन की आयु x है, रोहन की आयु कितना है x है, तो बोला कि इसकी माँ इसके उम्र से 26 वर्ष अधिक है, तो माँ की उम्र कितना हो जाएगा, माँ की उम्र माँ की आयु या उम्र आप लिख सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 26, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि इसके उम्र से 26 वर्ष अधिक, बोला है कि 3 वर्ष के बाद इसके आयु का गुणनफल 360 है। तो देखिए प्रश्न से मतलब 3 वर्ष के बाद, अभी है x वर्ष, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा x प्लस 3 वर्ष इंटू, अभी है उसकी मम्मी का आयु कितना है x प्लस 26, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा, 3 जुट जाएगा ना, x प्लस 29 हो जाएगा, यही ना होगा, 26 में 3 जोड़ेंगे और बोला कि इसके आयु का गुणनफल है 360, तो हमको समीकरण दीजिए द्विघात में। तो आप इसको हल करेंगे आपका आंसर दौड़े दौड़े चलाएगा, जैसे मैं आपको दौड़े दौड़े यहाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ। ओके सर, आप इसको आराम से बना सकते हैं, मैं बना देता हूँ सर आपको, प्रॉब्लम में मैं ही नहीं डालूँगा। ये जो x है दोनों के साथ गुना करेंगे तो x गुने x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x गुने 29 हो जाएगा 29x प्लस 3 गुने x हो जाएगा 3x और 3 गुने 29 हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। 29 गुना 3 387 होता है सर, अंदाजा लिखे ऑनलाइन वालों आप लोग देख लेंगे, अगर गलत होगा तो इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे। देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x हो जाएगा 32x प्लस कितना हो जाएगा 87 और माइनस देखिए 360 उधर प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा इक्वल टू 0। आप इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 घटाइए सर 273, बोलिए 273 शायद आएगा सर हाँ 273 आएगा, 273 इक्वल टू 0। हमको समीकरण मांग रहा था सिर्फ सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 आपका समीकरण होगा, नहीं बोला हमको समीकरण दीजिए, रोहन की आयु हमको निकालना है। ठीक है तो आप इसको बना सकते हैं मेरे जैसा,
ठीक है सर, पढ़ाई से आप मुंह न कभी मोड़ेंगे, ठीक है, इस हमेशा क्या करेंगे तो पढ़ाई करेंगे सर। पढ़ाई जो है आपको एक दिन में स्टूडेंट से ऑफिसर बना के छोड़ेगा, इसलिए इससे पीछे कभी नहीं हटना। एक रोटी कम खाना है लेकिन पढ़ाई जरूर करना है सर, ओके, पढ़ाई जरूर करना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं। 480 किलोमीटर तय करना है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, 480 किलोमीटर दूरी है, आप समझेंगे अच्छा से, 480 किलोमीटर दूरी है और बोला है कि जिस गति से ये ट्रेन जा रही थी उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया है, यही स्पीड कमने से उसको 3 घंटा टाइम ज़्यादा लग गया, तो बता रहा है, तो बोल रहा है, तो पूछ रहा है कि आपको समीकरण दीजिए, इसका चाल को ज्ञात करना है, ठीक है, तो बहुत आसान है सर, आप देख लेंगे। देखिए मान लिए हम कि चाल इसका कुछ है, कुछ मान लेंगे आप एक्स वाई जेड, माना चाल इक्वल टू कितना एक्स है, मान लिए उसका चाल कितना है तो एक्स है, तो घटने के बाद कितना चाल हुआ, घटा हुआ चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एट हो जाएगा, यही ना होगा। पहले बोला है कि जो ट्रेन जा रही थी 480 किलोमीटर तय करने के लिए तो उसके स्पीड जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, और इसके कम होने से उसको तय करने में 3 घंटा अधिक लगा, तो हमको समीकरण दीजिए। तो हम मान लिए चाल कुछ है x है, तो अब घटने के बाद कितना चाल हुआ x माइनस एट, चूँकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम रहा है, तो अब देखिए टाइम उसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे। प्रश्न से देखिए सर, ये प्रश्न है, प्रश्न से देखिए दूरी बटे होता है चाल, हमको चाल में इसको मेंटेन करना है, तो दूरी बटे चाल एक फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, दूरी इक्वल टू होता है समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए समय कितना लग रहा है, तो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, समय कितना लग रहा है, तो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, किससे ज़्यादा लग रहा है, देखिए जब चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया है तब, तो पहले जा रहा था कितना 480 किलोमीटर जा रहा था एक्स चाल से जा रहा था, ठीक है, एक्स चाल से जा रहा था, अब क्या हुआ कि उसका चाल कम गया है, कितना कम गया है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया है, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया था, उसको जैसे 3 घंटा अधिक लगा, 3 घंटा अधिक लगा। अब देखिए माइनस प्लस कहाँ होगा, यही स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो देखिए ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया है ना, नहीं आप इसमें घटाएंगे तो ये प्लस में होगा, या इसमें घटाएंगे तो ये प्लस में होगा, आप किसी में भी घटा सकते हैं, आप इसी में घटाइए, तो x माइनस आठ, तो ये प्लस में हुआ और ये x पहले जा रहा था ये माइनस में होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 घंटा हुआ, देखिए ये जो है जो कम हो गया ना, यही दूरी इससे ज़्यादा ले रहा है, कितना, तो 3 घंटा, इस तरह से आप बैठाएंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका हिसाब सही हो जाएगा, ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए नीचे वाला का एलसीएम लेंगे आप, कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एट, यही ना होगा, ये x को एलसीएम लेंगे, x माइनस एट इंटू क्या हो जाएगा x, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये तो x माइनस एट तो कट जाएगा, लेकिन x नहीं कटेगा, तो x उठा के यहाँ पे गुना करेंगे 480 हो जाएगा, ठीक है सर, और माइनस है तो माइनस दिए, ये x उठा के इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन x माइनस एट नहीं कटेगा, तो ये उठा के यहाँ पे गुना कर देंगे x माइनस एट, समझे सर, यहाँ पे कितना है 480, इसको मिटा देते हैं हल्का सा, आप सॉल्व कीजिए, तीन इक्वल टू हो जाएगा 480 एक्स माइनस ये गुना हो जाएगा इसमें, तो 480 एक्स हो जाएगा, 480 एक्स और प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस होगा, और 48 480 गुना 8 करेंगे कितना होगा सर, 480 गुना 8 हो
हो जाएगा 0 के 0 8 8 64 के 4 और 8 4 32 और 6 38 इतने ना होगा 38 40 होगा शायद गलत होगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। वही तरीके कहीं स्क्वायर स्क्वायर नहीं आया क्या आएगा और नीचे में कितना है सर तो है एक्स एक्स स्क्वायर है तरीके एक्स माइनस एट एक्स इंटू एक्स माइनस एट देखिए नीचे कुछ नहीं तो वन है तो आप इसको क्रॉस गुना कर लेंगे यहाँ ये वाला नीचे साथ इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस एट इक्वल देखिए ये 480 प्लस में ये 480 माइनस में कट गया परेशान देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना है तो 38 40 अब ये कुछ त्रिक ये एक्स है 3x को ये दोनों के साथ गुना कर लेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x इक्वल टू 38 40 नहीं 38 40 हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 24 मच्छर को भी पढ़ने का मन करता है लगता है माइनस 24x ये उठा के इधर ले आइए तो माइनस में चला जाएगा 38 40 शायद ये इतना है ये 3 को कॉमा लेना है सर 3 को कॉमा लेंगे 3 कॉमा लिए तो यहाँ कितना बच गया एक्स स्क्वायर बचा अब माइनस 8 3 24 और माइनस कितना हो जाएगा तो बढ़ती है 36 0 8 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 ये 3 को 0 तरफ भेज दिए तो वो 0 में ही चेंज हो गया ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 आपका आंसर आएगा ठीक है सर आप ऐसे इसको बनाएंगे आपको एक नंबर या दो नंबर में पूछा जा सकता है ठीक है दो नंबर या एक नंबर में पूछा जाएगा एक नंबर पूछेगा तो ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा सिर्फ बना कर टिक करना है अगर दो नंबर पूछेगा तो ऐसे आपको बनाना है एकदम साफ साफ अक्षरों में इसको बनाना जितना अच्छा से आप बनाएंगे उतना आपको नंबर दिया जाएगा ठीक है सर उम्मीद करते हैं सर जो बताया मैं आपको समझ आया होगा आप इसको रिवाइज करेंगे ठीक है कॉपी साइड में रख करके और बनाएंगे अगर नहीं आएगा तो कॉपी साइड में रख करके इसको आप बनाएंगे ठीक है सर अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे शेयर करेंगे ठीक है सर और डेली रूटीन बांध करके पढ़ेंगे बोर्ड नज़दीक आ रहा है आप अच्छे से उत्तीर्ण होइए और अच्छे से नंबर लाइए तब ना सर मम्मी पापा आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे ठीक है सर थैंक यू फॉर वॉचिंग।